हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। स्मार्ट नौकरी में आज आपका यहाँ पे स्वागत है। बहुत ही आज हम लेटेस्ट तीन बातों पे आज यहाँ पे डिस्कशंस करने वाले हैं, DRDO ANA के रिजल्ट को लेके। पहले तो हम बात करेंगे कि रिजल्ट कब आने वाला है, और यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आज यहाँ पे ये है, पास और फेल का क्या इन्फॉर्मेशन, क्या मतलब इन्फॉर्मेशन आया है पास और फेल को लेके। मैंने क्यों यहाँ पे पास और फेल ऐसा लिखा है, मैंने यहाँ पे ऐसा भी क्यों लिखा है संभावना कम है फेल होने की, तो आज हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। ये आज आपके लिए काफ़ी लेटेस्ट न्यू इन्फॉर्मेशन आई है, तो इस पर आज हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट नौकरी के चैनल्स में। तो इससे पहले जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। आपके रिजल्ट्स की डिटेल्स पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताती हूँ, फिर देखते हैं डिटेल्स। और मैंने यहाँ पर संभावना कम क्यों ऐसा लिखा है उस पर भी हम डिस्कशन करते हैं। तो पहली बात तो मैं पास और फेल की यहाँ पे बात कर देती हूँ। आप सबको पता है कोरोना वायरस की वजह से हर चीज़ यहाँ पे पोस्टपोन हो गया, और काफ़ी नुकसान भी हमारी कंट्री को हो रहा है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने यही डिक्लेयर किया है, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने यहाँ पे रखवाया है, सबको मेजोरिटी ऑफ द पर्सन को यहाँ पे पास ही करना है, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी जितनी ज़्यादा रहेगा पोस्टिंग सबकी रहेंगे, जितने ज़्यादा इस बार जॉब सब लोग करेंगे उतना ज़्यादा ही यहाँ पे हमारी कंट्री का GDP हर कंट्री यहाँ पे बढ़ेगा। तो मेजोरिटी ऑफ द पर्सन एटलीस्ट इस बार पास ही होंगे, कट ऑफ इस बार आपका ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छी तरीके से कम ही जाने के चांसेस, सारे बच्चों को पास करने के ही चांसेस है यहाँ पे है। तो फेल होना काफ़ी कम संभावना है कि बहुत ही रेयर फेल होंगे, कट ऑफ की वजह से अगर देखा जाए तो बहुत ही कम आएगा जिसके मार्क्स, वही लोग फेल होंगे। अब ये प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है कि आपका रिजल्ट अप्रैल तक आने वाला था, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैंने यहाँ पर नहीं बताया डेट, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो लिंक आपके नॉलेज इकोनॉमिक्स चैनल्स का है, वो भी हमारा ही चैनल्स है। तो नॉलेज इकोनॉमिक्स चैनल्स पर मैंने आपको बताया है कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है और क्या डेट डिक्लेयर कर दिया है कि आपके रिजल्ट्स कब आने वाले हैं, और आपका फिर सेकेंड टायर का एग्ज़ाम भी कब होने के चांसेस है यहाँ पे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने नॉलेज इकोनॉमिक्स चैनल्स पे दिया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ। तो आपको क्या करना है, उस लिंक को ओपन करके वहाँ से अपना एग्ज़ाम डेट को देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ भी आपको डाउट्स देगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।